लोगों ने कम से कम तो दर्जनों मस्टैंग बेची होगी। इसमें जितनी चाहे लोडिंग्स कराएं, इसकी इतनी सारी चीज़ें आती हैं, इतने सारे इसके आप मतलब कस्टमाइज को करा सकते हैं कि इसका कोई एंड नहीं है। वैसे मैं इसे हटाऊंगा नहीं क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा भारी है ये भाई, इट्स अ हैवी कार। ड्राइविंग मोड्स चेंज कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स मोड हो गया, इकोनॉमी हो गया या फिर कंफर्ट हो गया, बट इसमें आप स्टेयरिंग के भी कंफर्ट चेंज कर सकते हैं। ये गाड़ी वही लेते हैं जो कि पर्टिकुलर होते हैं शौक वाले लोग, जिनको चाहिए स्पोर्ट्स कार या जिनको चाहिए राइड के लिए कार। माय गॉड, इतना प्यारा साउंड, मतलब मैंने अभी तक इसको बस चिल्लाते हुए सुना था। मतलब दोस्तों बोरला लोग लगवाते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है, कभी कभी आपको इरिटेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है। यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री माराइट। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माराइट के एक और इंटरेस्टिंग अमेरिकन मसल कार के वीडियो में, या एक ऐसे एपिसोड में जो एपिसोड हमने बहुत बार बनाया है और ये मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबरों की फेवरेट कार हो गई है माय कंट्री माराइट चैनल पे, क्योंकि आज हमें ऑटो बेस्ट इंपीरियो और इनके स्टॉक में एक बहुत ही ब्यूटीफुल येलो कलर की कार खड़ी हुई है, जिस गाड़ी को हम कहते हैं जी फोर्ड मस्टैंग GT। इस गाड़ी को इंट्रोडक्शन की ना अब ज़रूरत नहीं है, लोग जानते हैं मस्टैंग की क्या पावर होती है, मस्टैंग क्या प्रोडक्ट होता है। अब तो बस लोग ये ढूंढते हैं कि मस्टैंग कहाँ पे अवेलेबल है, और हम यही कोशिश करते हैं कि आपको जैसी गाड़ी अवेलेबल हो आपको उसकी वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दें, ताकि जिस किसी भाई का भी ड्रीम हो मस्टैंग जैसी गाड़ी लेने का तो उसका वो ड्रीम पूरा हो जाए, क्योंकि यही हमारा काम है, इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाना ताकि लोगों तक चीज़ें पहुँचें और लोग अपना ड्रीम पूरा करें। तो अभी इस गाड़ी का ड्रीम तो पूरा होगा, बट उससे पहले नमन से मिलेंगे और नमन से करेंगे हेलो। हेलो नमन, कैसे हैं आप? मैं एकदम बहुत बढ़िया, मतलब झक्कास गर्मी हो रही है, इधर बार बार लोगों की नज़र जाती है इस रेड ब्यूटी पे। इस रेड ब्यूटी की बात निराली है जी, बट ये जो येलो ब्यूटी है आज हम करेंगे इसकी बात। नमन, सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे कि ये जो येलो कलर है इसकी क्या रियलिटी है? जो ये येलो आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ येलो रैप्ड कलर। जो इसका ओरिजिनल कलर है वो है सिल्वर, ओके, एंड येलो पे आप देख रहे हैं ब्लैक स्ट्राइप्स है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे अकॉर्डिंग मस्टैंग पे। करेक्ट जी, तभी एक मस्टैंग की फील आती है। बिल्कुल, अब वैसे अगर देखने वाला देखेगा तो कहेगा कि नहीं यार ये रैप नहीं हो सकता, ये फैक्ट्री कलर होगा, क्योंकि ये दो कलर में जो आती है रेड एंड येलो, माइंड ब्लोइंग। बट मैं ये जरूर कहूँगा कि आपको कहीं से रैप क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी किसी भी तरह की, क्योंकि रैप जो बिल्कुल परफेक्ट हम कराते हैं एंड अच्छी जगह से, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करना हमारा काम है एंड सेटिस्फाइड रहेंगे जो भी गाड़ी लेंगे। बहुत बढ़िया, तो अभी इसकी थोड़ी सी डिटेल एक्सप्लोर करते हैं और आगे से समझते हैं इस गाड़ी को कि क्या गाड़ी है, थोड़ा सा कुछ डिटेल में बताएं हमारे न्यू फैमिली मेम्बर्स को। जी, गाड़ी सबसे ज़्यादा मतलब जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जाता है, क्योंकि गाड़ी को हम कहते हैं अमेरिकन मसल कार। करेक्ट, तो गाड़ी जैसे कि मैंने आपको बताया V8 इंजन है, गाड़ी में पावर पूरी है, गाड़ी की ड्राइव बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, गाड़ी के लुक्स एकदम परफेक्ट हैं, तो ऑल इन वन गाड़ी है ये। तो कुछ भी इसके अंदर कुछ एज सच हमने कुछ कस्टमाइजेशन करा सकते हैं रैप के अलावा, या फिर ये स्टॉक है पूरी? नथिंग लाइक दैट, मतलब अभी गाड़ी पूरी स्टॉक है, जो गाड़ी में रैप हुआ है वो अलग है, बाकी सब पूरी गाड़ी स्टॉक है। अब आ जाओ, अब सबसे पहले इसकी लाइट को एक्सप्लोर करते हैं, मुझे बहुत ही शानदार लगती है इसकी लाइटें। मैं आपको की दिखा देता हूँ, इज द की, ठीक है जी। तो लाइटें देखो यार, लाइटें जब जलती हैं तो कितनी ज़्यादा शानदार लगती हैं, और जो इसकी जो कर्वी जो शेप है वो कहीं ना कहीं एक मतलब आपको फील करवाती है कि आप एक वाकई बहुत बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं। अब यहाँ आप एक मसल कार ले, वाकई। अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेक्स की, कितने लीटर इंजन है इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल? तो इसमें मिलता है हमें 5 लीटर इंजन, जो कि आता है V8 में। देखो अब इंजन की जो बात है वो आपको बता दी कि इंजन 5 लीटर है। अगर आपको रेड कलर की मस्टैंग देखनी है तो सी ऑन स्क्रीन। अब ये शेल्बी किट वाली मस्टैंग थी जो सोल्ड हो चुकी थी ऑटो बेस्ट इंपीरियो से, बहुत पहले मस्टैंग आई थी, इसका वीडियो चल रहा है, साफ साफ आप देख सकते हैं कि रेड कलर में भी अगर गाड़ी अगर रैप आप करवाते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसी लगेगी आपकी गाड़ी रेड कलर में। पीछे चलते हैं जी, बट उससे पहले एक बार देख लेते हैं इसके अलॉय व्हील्स। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि
ये वाले अलॉय व्हील्स ना, जो स्टॉक अलॉय हैं, ये इस पर ज़्यादा सूट करते हैं। बिल्कुल, लोग होते हैं कुछ की कस्टमाइज कराते हैं इसको, अलॉय व्हील्स डलवाते हैं, बट आई डोंट थिंक कि इसमें कोई नीड है आपको अलॉय व्हील्स इंस्टॉल कराने की, क्योंकि ऑलरेडी जो डले हुए हैं स्टॉक वो अपने में ही मोर देन इनफ है। बहुत बढ़िया, अब पीछे आ जाओ। अब पीछे से जो शेप है वो आप देखिए, लाइटें देखो आप, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिफरेंट, किसी भी गाड़ी की लाइटों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ये। और पीछे की जो लुक है वो भी काफ़ी शानदार है, और पीछे दो एग्जॉस्ट पाइप है। तो पहले ये समझ लेते हैं, जब भी आप मस्टैंग के एग्जॉस्ट देखें तो आपके मन में ये चलता रहता है कि क्या कैसी आवाज़ आने वाली है। एग्जैक्टली, क्योंकि मस्टैंग इज़ बेस्ड ऑन ऑल लोडिंग्स, मतलब आप इसमें जितनी चाहें लोडिंग्स कराएं, इसकी इतनी सारी चीज़ें आती हैं, इतने सारे इसके आप मतलब कस्टमाइज को करा सकते हैं कि इसका कोई एंड नहीं है। तो एग्जॉस्ट भी एक उसी का पार्ट होता है, ज़रूरी नहीं है हर गाड़ी में एग्जॉस्ट हो, वो डिपेंड करता है कि जो पहले ऑनर है उन्होंने डलवाया था नहीं डलवाया था, सब कुछ शौक के ऊपर है। अब बात करते हैं इसको एक बार स्टार्ट करने की, बट उससे पहले मैं आपको उसका बूट ओपन करके दिखा देता हूँ। अब ये देखिए आप, ये है इसका कुछ बूट स्पेस, जिसमें आपको स्पेयर व्हील दिख रहा है यहाँ पे, और काफ़ी, अगर ये व्हील ना हो इसके अंदर तो स्पेस तो कोई काफ़ी स्पेस है। आप चाहें तो व्हील हटा के भी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, कहीं आप दूर जा रहे हैं या फिर कहीं आपको लग रहा है कि आपने कुछ लगेजेस रखने हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। वैसे मैं इसे हटाऊंगा नहीं, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा भारी है ये भाई, इट्स अ हैवी कार। चलो ये कर दिया बंद, रिवर्स कैमरा देख लो यहाँ पे। इस गाड़ी के अंदर दो दरवाजे हैं, इट्स अ टू डोर कार बट फोर सीटर, जिसमें दो चाइल्ड सीट इसके अंदर आपको मिलती हैं। बट अगर हम इसकी लेंथ देखें तो कहीं से कोई कहेगा नहीं कि टू डोर है। सही में, अब देखो आप इधर से देखो साइड से, अब आपको एक बार अंदर के जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। अब जो सिल्वर कलर है, जो ओरिजिनल कलर है, वो भी आप देख लो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी का ओरिजिनल कलर क्या है। सो ओरिजिनल कलर इज सिल्वर। अब इसे स्टार्ट करने की बारी आ गई है, लेट स्टार्ट द मॉन्स्टर, लेट सी कि क्या आवाज़ आती है। नमन क्या कहते हो? जो आपको एक बेसिक स्टॉक आवाज़ मिलेगी वो भी एक स्पोर्ट्स कार के लिए एनफ होती है, तो आप इसको भी एक बार स्टार्ट करोगे तो पता चलेगा कितनी आवाज़ है। लेट सी, स्टार्ट हो गई है गाड़ी, अब पीछे जाएंगे। माय गॉड, इतना प्यारा साउंड, मतलब मैंने अभी तक इसको बस चिल्लाते हुए सुना था। मतलब दोस्तों बोरला लोग लगवाते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है, कभी कभी आपको इरिटेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है, लेकिन इसके अंदर स्टॉक एग्जॉस्ट में आपको एक स्मूथ साउंड आता है, बिल्कुल इरिटेट नहीं होते। और लेकिन जब आप इसे, अभी तो ये खड़ी हुई है तो मैंने रेव करूँगा तो इतनी ज़्यादा आपको आवाज़ नहीं आएगी, बट जब आप इसको ड्राइव करेंगे डेफिनेटली एक अच्छी साउंड की प्रोड्यूस करेगी। बहुत बढ़िया, अब बैठो आप उधर बैठो और थोड़ा सा एक्सप्लेन करो मुझे। तो गाड़ी की जैसे हमने बाहर से क्वालिटी देखी ना, वैसी गाड़ी के अंदर से भी क्वालिटी उतनी ही अच्छी है और उतनी ही मतलब एक्सक्लूसिव लगती है गाड़ी। यहाँ पे अगर आप इसके ओडोमीटर में इसके किलोमीटर्स देखोगे तो कार हैज ओनली डन 16,500 किलोमीटर्स सिर्फ ओनली, एंड अभी आपको मैं मॉडल डिस्क्लोज करूँगा, उसके बाद हम एग्जैक्टली गेस कर पाएंगे कि कितना उसके हिसाब से होना चाहिए था और कितनी चली है गाड़ी। अब बात करते हैं इसके अंदर फीचर की, जिसमें आपको मिलती हैं वेंटिलेटेड सीट्स। जी बिल्कुल, टॉगल स्विचेस, ठीक है, साथ में टॉगल स्विचेस के साथ आपको ये भी ऑप्शन मिल रहा है, अपने स्टेयरिंग की भी सेटिंग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो स्पोर्ट्स स्टीयरिंग भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो कंफर्ट स्टीयरिंग भी रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके मोड्स चेंज हो सकते हैं। बहुत मतलब जैसे यूजली हर कार में क्या होता है, आप मोड्स, ड्राइविंग मोड्स चेंज कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स मोड हो गया, इकोनॉमी हो गया या फिर कंफर्ट हो गया, बट इसमें आप स्टीयरिंग के भी कंफर्ट चेंज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। इसके साथ साथ पीछे आपको मिलता है रिवर्स कैमरा, अब हम एक बार रिवर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा रिवर्स कैमरे की क्लैरिटी। तो ये है इसका कुछ रिवर्स कैमरा, जो कि बहुत नीडेड है जी इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि इस गाड़ी में ऐसे तो करके बहुत ही ऑकवर्ड हो जाएगा। साथ में अगर इसके साउंड क्वालिटी की बात करें, हमें बेसिक जो है स्पीकर्स मिलते हैं, बट साउंड क्वालिटी इज़ गुड, स्पेसिफिक कोई इसमें म्यूजिक नहीं है, बट स्टिल इसकी मतलब कोई इसके अंदर कहने का मतलब ये है कि कोई स्पेसिफिक ब्रांड मेंशन नहीं है। जी बिल्कुल, बट स्टिल द ऑडियो इज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग, बिल्कुल बॉगलिंग और बॉगलिंग, माइंड ब्लोइंग है गाइस। सो बिकॉज इट इज मैन्युफैक्चरिंग सिंस 1964 से मस्टैंग आ रही है, और मस्टैंग, अच्छा आपका मतलब, मैं ये वैसे तो हम गाड़ी तो बहुत एक्सप्लोर करते हैं, मस्टैंग कौन सा कस्टमर आपने देखा है कि मतलब आप लोगों ने कम से कम तो दर्जनों मस्टैंग बेची होगी? बिल्कुल, तो मतलब हमारे पास हर टाइम एक ना एक मस्टैंग तो होती है शोरूम पे, बट वाई मतलब पीपल लाइक मस्टैंग इतना ज़्यादा? जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था, हर कोई नहीं लेता गाड़ी, एंड हर रोज़ चलाने के लिए कोई नहीं लेता। सही है, ये गाड़ी वही लेते हैं जो कि पर्टिकुलर होते हैं शौक वाले लोग, जिनको चाहिए स्पोर्ट्स कार या जिनको चाहिए राइड के लिए कार। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो
लोग मैंने आपको बताया वो तो लेते ही हैं, बट स्टिल गाड़ी काफी लोगों का ड्रीम भी है, इवन मुझे भी गाड़ी काफी ज्यादा पसंद है, तो लेना हर कोई चाहता है, बट कुछ लोग होते हैं शौक के लिए लेते हैं और कुछ लोग होता है कि भाई गाड़ी है हमें एक बार लेनी है, हमने ले ली। सही बात है, इट्स अ ड्रीम कार। और ये ड्रीम कार कितने की है ये हम आपको बताएंगे बाहर उतर के, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो हम देखते हैं कि क्या रहेगा ऑटो बेस्ट इम्पीरियो पे, और नमन से पूरी डिटेल लेंगे। हमने आपको बता दिया गाड़ी के पूरे स्पेक्स कि क्या क्या है गाड़ी के अंदर, अब इसकी पूरी डिटेल आपको बताते हैं कि क्या प्राइस है गाड़ी का और कितने की है गाड़ी। तो नमन प्लीज़ इधर आ जाइए और प्लीज़ अब बताइए इसकी पूरी डिटेल। सो कार जो है ये है हमारी 2016 की मैन्युफैक्चरिंग एंड 17 की रजिस्टर्ड। ओके, एंड इट इज़ अ सेकेंड ओनर कार एंड वी आर आस्किंग 57,75,000 फॉर द कार। 57,75,000 एंड इट हैज़ ओनली डन 16,500 किलोमीटर्स। नेगोशिएबल प्राइस, अ बिट ऑफ नेगोशिएशन इज पॉसिबल एंड जब आप शोरूम पे आएंगे तो बेस्ट रिगार्ड कोशिश करेंगे हम हो सके आपके लिए, एंड जहाँ से भी आप आएंगे यू आर मोस्ट वेलकम, फिर चाहे आप दिल्ली से हो या आउट ऑफ दिल्ली से हो कहीं से भी। ये कहाँ की गाड़ी है रजिस्ट्रेशन? दिस इज अ दिल्ली रजिस्टर्ड कार। दिल्ली रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है, आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप लोग चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मस्टैंग के लिए, नहीं तो अवेलेबल क्या है वो सब आपको चारों तरफ दिख ही रहा है। अगर मिस्टर व्यास दिखाएंगे आपको 360 वे में तो आपको चारों तरफ दिखेगी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। क्या क्या हमें मिल सकता है यहाँ पे स्टॉक में? अभी आप जैसे देख रहे हो सेडान्स डिफरेंट अवेलेबल हैं, जैसे BMW 7 सीरीज़, BMW 5 सीरीज़, Audi S5, Audi A6, Mercedes E-Class, S-Class। SUVs में देखा जाए तो जीप रैंगलर, मर्सिडीज़ GLS, रेंज रोवर स्पोर्ट एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस। स्पोर्ट्स कार में जैसे कि हमने यहाँ पे आपको मस्टैंग दिखाई, लैम्बोर्गिनी हुराकन, ऑडी TT, ये ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल, मतलब हर कैटेगरी में हर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट करें और गाड़ी के लिए आप क्वेरी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो कमेंट्स में बताना कि कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय गाइज़।